मंत्री जी, इस समय चुनाव प्रचार प्रचंड तरीके से चल रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये चुनाव प्रचार अपना? देखिए, रायबरेली की जनता चुनाव लड़ रही है, रायबरेली की जनता का भरोसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उस भरोसे पर रायबरेली की जनता वोट दे रही है। और मैं समझता हूँ कि जितने वोटों से सोनिया गांधी ने 2019 में भाजपा को हराया था, उससे अधिक वोटों से रायबरेली की जनता कांग्रेस को हरा के भेजेगी। मतलब प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने अपनी जनसभाओं में कहा राहुल गांधी हार रहे हैं, क्या कहना है? जब रायबरेली की जनता कह रही है तो रायबरेली की जनता की आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी तक जरूर पहुंचती होगी, और पहुंची होगी तो उन्होंने ठीक ही कहा होगा, उनके पास संसाधन है, रायबरेली के बारे में जानकारी रखे होंगे। आज प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में है, जहां से आप काफी लंबे समय से प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप? गांव-गांव घर-घर पहुंच चुके, जबकि वो आज से 5 साल बाद मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी के दौरों का, सभाओं का, रैली का, रोड शो का अब रायबरेली पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2022 में भी प्रियंका गांधी ने दौरा किया, रोड शो किया, एक एक विधायक के पक्ष में खूब मीटिंगें की, लेकिन जिसके भी पक्ष में उन्होंने मीटिंग की उसके पास जो कुछ था वो भी गंवा बैठा। एक विधायक पक्ष में मीटिंग की तो 15,000 रह गया, तो एक विधानसभा में 15,000 वोट, 3.5 लाख वोट पर 15,000 वोट मिल रहा है, तो प्रियंका गांधी के दौरे का कोई असर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम ही किए हैं। रायबरेली प्रियंका गांधी को ही ढूंढ रही है, क्योंकि सोनिया गांधी सांसद बनी तो सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी को ही रायबरेली का प्रभारी बनाया और रायबरेली के लोगों की सेवा की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी। प्रियंका गांधी ने उठाया, अपनी जिम्मेदारी किशोरीलाल शर्मा को दे दी, तो ठगा का ठगा महसूस कर रहा है कि मैंने वोट सोनिया गांधी को दिया, सोनिया गांधी ने पावर डेलीगेट कर दिए प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी ने किशोरीलाल शर्मा को, ना सोनिया मिली, ना प्रियंका मिले, ना किशोरीलाल शर्मा। इसलिए रायबरेली के लोग पूरी तरह से आज की तारीख में गांधी खानदान के खिलाफ हैं, चाहे जी आवे हारी बस और कुछ नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।